एंड सबसे महंगा माइक ये है, 5,000 रुपए का ये इतना सा माइक है। सोच रहा हूँ कि जाके एक अच्छी सी राइड करके आता हूँ। ये क्या टॉप स्पीड इसकी पहुँच पाती है, 150 की तो उम्मीद लगा के बैठा हूँ वैसे मैं भाई, 145 तक गई थी। टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 2। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। आज का मेरा प्लान है एक अच्छा सा और बढ़िया सा मोटो व्लॉग शूट करने का, क्योंकि काफी दिन हो गए मुझे मोटो व्लॉग बनाए, लगभग ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल होने वाला है मोटो व्लॉग बनाए हुए। लास्ट मैंने लद्दाख ट्रिप पे गया था, तब मैंने मोटो व्लॉग शूट करा था, उसके बाद से शायद अभी तक मैंने मोटो व्लॉग शूट नहीं करा जितना मुझे याद आ रहा है। एंड उसके लिए मैंने अपनी मोटो व्लॉग की एक्सेसरीज भी फाइनली बाहर निकाल ली है। हेलमेट तो ये रहा मेरा, गोप्रो मैंने चार्ज में उस कमरे में लगा दिया है, बस अभी मुझे गोप्रो का माउंट ढूंढना जो हेलमेट का लगेगा, एंड माइक भी ढूंढना है, दो चीजें ढूंढनी है। माइक तो वैसे मुझे जहां तक पता है मैंने इसी के अंदर रखा हुआ है, माउंट भी इसी के अंदर पड़ा हुआ है शायद, हाँ माउंट भी इसी में और माइक भी इसी में, तो इसमें से भी सारी चीजें निकाल के मैं उस पे सेट करता हूं। एंड उसके बाद जाऊंगा छोटी सी राइड करके आऊंगा 20-25-30 किलोमीटर की और बढ़िया सा मोटो व्लॉग शूट करके आऊंगा। लेकिन सबसे पहले अभी मैं जा रहा हूं हेलमेट पे गोप्रो सेट करने। ये है मेरा वो बॉक्स जिसमें मेरे सारे मोटो व्लॉगिंग के सामान है। अभी देखो माइक कितने सारे यहां पे, एक माइक ये है मेरे पास JBL वाला माइक है, एक माइक ये है मेरे पास, ये रोड का माइक है शायद, हाँ ये उसका है, एंड एक इसमें है ये माओनो करके माइक आता है, ये सबसे सस्ता माइक आता है, अगर जो लोग स्टार्ट करते भाई उनके लिए सबसे सही माइक है ये, 300-400 रुपए का आता है। एंड सबसे महंगा माइक ये है, 5,000 रुपए का ये इतना सा माइक है, 5,000 रुपए का माइक है ये, हाँ 5,000, हाँ ये 5,000 रुपए का है, और ये है 1500-1800 का ये वाला माइक है। ज्यादा अच्छा दिख रहा है, इसकी वायर बहुत ज्यादा बड़ी, इसको एडजस्ट करने में दिक्कत आता है, ये आराम से एडजस्ट हो जाता है हेलमेट। और इसके अलावा ये गोप्रो का चार्जर है, ये गोप्रो का ये मेन, ये भी चाहिए, ये 4,500 रुपए का, ये भी, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है गोप्रो की, गोप्रो का माइक अडेप्टर, या तो ये होना चाहिए या तो मीडियम माउंट आता है गोप्रो का वो होना चाहिए, 4,500 का ये आता है लगभग, क्योंकि इसमें 3.5 mm का जैक भी आता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे चार्जर भी आता है। और गोप्रो जो होता है गोप्रो में सिर्फ आपको ये वाला जो होता है ना टाइप सी वाला वो पोर्ट मिलता है, उससे आप उसको चार्ज कर सकते हो लेकिन माइक्स कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है। और ये रहा मेरा गोप्रो का माउंट, हेलमेट माउंट जो जिसको मैंने, अरे यहीं पे तुम अच्छा यार अब आप काम कर रहे हो, हाँ रुक जा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इसको मैंने पहले से ही सेट कर रखा है, तो इसको करना कुछ नहीं, बस हेलमेट पे पुट करके यहाँ से हेलमेट हो जाएगा और स्ट्रैप्स बांध देने हैं बस मेरे को, तो इसका भी काम हो जाएगा। काफी मशक्कत के बाद इसमें मैंने माइक लगा दिया है, ये देखो, ये देखो यहाँ से माइक आ चुका है, एंड इधर से ये वायर आ चुके हैं जो इधर गोप्रो में लग जाएगा। पूरी पैडिंग खोल के अंदर माइक सेट कर दिया है, वाइजर भी निकाल दिया था, आप इसे वाइजर लगाता हूँ, लेकिन सोच रहा पहले इसको लगा लेता हूँ मैं, रुक जाओ पहले उसे सेट कर लो। फाइनली आधे घंटे की मशक्कत एंड मेहनत के बाद मैंने गोप्रो एंड माइक दोनों मेरे हेलमेट पे सेट कर दिया है। माइक भी पूरा अच्छे सेट होगा, प्रॉपर वायरिंग कर दी है, एंड गोप्रो भी सेट हो चुका है, बस इसका एंगल ऊपर नीचे जो है वो एक बार मैं जब बाइक पे बैठूंगा तभी पता चलेगा कि भाई कैसे सही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन से एंगल में रिकॉर्ड करना है, नॉर्मल में करना है, सुपर व्यू में करना है या वाइड में करना है, तो वो तो उस पर बैठ के ही पता चलेगा मुझे बाइक पे, तब सेट करूंगा उसको। एंड बाकी मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके साउंड टेस्टिंग के लिए करा था मेन, की साउंड आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो चीज मैंने कर ली, देखो एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करी थी। हाँ सामने तुम रिकॉर्ड हो रही हो ना, सो गाइस आप देख सकते हो मेरे सामने एक बेवकूफ बैठा है तो देखा आपने, रिकॉर्ड भी सही से हो गया, आवाज भी क्लियर आ रही है, सब कुछ सही है, एकदम परफेक्ट काम हो चुका है। एंड गाइस एक और चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी कि काफी टाइम से ना आप लोगों को पता है कि मेरा जिम छूट सा गया, जिम जाना ही बंद कर दिया मैंने, वर्कआउट भी नहीं करता हूँ कुछ, और उल्टा सीधा जंक फूड खाना, एंड इसकी वजह से ना भाई मेरी बॉडी इतनी लेजी फील होती है, इतना आलस आता है, इतना जिसकी कोई हद नहीं है। अब मेरे को ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि वापस से मुझे जिम जाना स्टार्ट करना चाहिए, वापस से सही से डाइट लेनी चाहिए, एंड सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि डाइट के साथ में ना मुझे मल्टी विटामिन भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत हेल्प करती है भाई लेजीनेस को दूर करने में। सो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा एंड बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट मिला जो कि है जिंगा विटास मल्टी विटामिन एंड ओमेगा इन अ सिंगल सॉफ्ट जेल। आजकल लोग करते क्या है कि डिफरेंट विटामिन को इंटेक करने के लिए अलग अलग टाइप की टैबलेट्स लेते हैं, एंड भाई वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। सो मेरे को ये प्रोडक्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके सिंगल सॉफ्ट जेल में आपको मल्टी विटामिन एंड ओमेगा दोनों मिल जाएंगे। एंड गाइज दिस प्रोडक्ट हैज ऑल एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स अलॉन्ग विद ओमेगा 3 सोर्सेज लाइक फिश ऑयल, EPA, DHA एंड बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स। एंड ये मल्टी विटामिन आपके जॉइंट, हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस ये आपकी इम्यूनिटी एंड एंड्योरेंस को भी बूस्ट करता है। और जो लोग वर्कआउट करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जिंसिंग एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी प्रेजेंट है। एंड गाइस इस प्रोडक्ट में विटामिन सी एंड बायोटिन भी प्रेजेंट है, जो कि आपकी गुड स्किन एंड हेयर के लिए बहुत इफेक्टिव है। सो गाइस अगर आप भी अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा जिंगा विटा की मल्टी विटामिन को अपने डेली रूटीन में ऐड करने के लिए, जस्ट अ सिंगल सॉफ्ट जेल अ डे। सो गाइस मैं श्योर हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस मल्टी विटामिन को अपने डेली रूटीन में ऐड करने वाले हैं। सो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना
लेना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड Abhishek20 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोपहर के 4:30 बज रही है एंड धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत धूप भी कम हो चुकी है एंड मौसम ठीक हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जाके एक अच्छी सी राइड करके आता हूँ, 50-60 किलोमीटर की, ज्यादा नहीं। एंड सोच रहा हूँ इसी बहाने आज इसकी टॉप स्पीड भी टेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो 6000 RPM से नीचे चलानी है इसको, लेकिन कोई बात नहीं, आज अपन टेस्ट करके देखते हैं। एक बढ़िया सी रोड है यहाँ पे, जयपुर की रिंग रोड है, 20 किलोमीटर दूर यहाँ से, और वो सीधी रोड है एकदम स्ट्रेट, तो उस पे इसको भगा के देखेंगे एंड टॉप स्पीड देखेंगे कितनी जा सकती है अभी। सो गाइस, फाइनली एक साल बाद वापस से मोटो व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। एक साल के ऊपर हो चुका है मुझे मोटो व्लॉग बनाए हुए, देखते हैं कैसा बनता है, क्या होता है। काफी दिन हो गए, एकदम नर्वसनेस सी होती है, कोई काम काफी दिन तक करो नहीं ना, तो अजीब सा लगता है करने में। और GoPro का एंगल भी मैंने सेट कर लिया है, वैसे मुझे तो लग रहा है कि ठीक है, बाकी जब मैं एडिट करूंगा तब जाके सही में पता चलेगा कि ठीक था या थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करना है, तो वो उस अकॉर्डिंग मैं कर लूंगा। एंड अभी तो मैं इसको वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ, सुपर व्यू नहीं ले रहा। GoPro में एक और मोड आता है सुपर व्यू का, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा ही वाइड दिखता है, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको सिर्फ वाइड एंगल में रखा है। अभी आज ही एक व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं वाइड एंगल में, उसके बाद अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर लेंगे, या फिर अगर वाइड एंगल भी बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा तो एक और इसको छोटा कर लेंगे, जो कि नैरो एंगल होता है इसमें। अभी जिस रोड के ऊपर हूँ मैं, ये है जयपुर से अजमेर वाली रोड, एंड इसके ऊपर अभी लेटेस्ट में 7 या 6 फ्लाईओवर पास हुए हैं, तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है इस रोड पे आगे। होप सो ट्रैफिक नहीं मिले, वैसे तो उस कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक लगा रहता है, क्योंकि अभी यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर जाना है मुझे रिंग रोड पे, तो रिंग रोड पहुँचने से पहले अगर नहीं मिलता ट्रैफिक तब तो बढ़िया है, वरना तो भाई देखेंगे। एंड अभी 6th गियर में 103-104 की स्पीड पर चल रही है ये, बाकी असली टेस्टिंग तो भाई रिंग रोड के ऊपर होगी जब उस पर पहुँचेगी ना। मेरे को उम्मीद तो है कि 150 तक तो जाएगी है, 150 की उम्मीद लेके बैठा हूँ मैं कि 150 तो चली जाएगी अभी है। सो ये रही जस्ट मेरे ऊपर जयपुर की, जो मैं रिंग रोड बात कर रहा था जयपुर से आगरा वाली, तो ये रिंग रोड है एंड इस पे चढ़ने के लिए भाई आगे से अपने को रास्ता मिल जाएगा, थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग भी मिल जाएगी, तो ऑफ रोडिंग भी टेस्ट हो जाएगी इसी बहाने गाड़ी की। एंड ऊपर जाके फिर अपन टेस्ट करते हैं कि ये गाड़ी भाई कितने स्पीड से चल सकती है, क्या इसकी टॉप स्पीड है। 2 या 3 ट्राई करेंगे अपन, 2-3 ट्राई में देखते हैं कितनी पहुंच सकती है। सो पहला ट्राई तो अपन यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, उम्मीद तो वैसे मेरे को 150 की स्पीड की है, देखते हैं कितनी जाती है, क्या टॉप स्पीड इसकी पहुंच पाती है। 150 की तो उम्मीद लगा के बैठा हूं वैसे मैं, तो 0 की स्पीड है अपनी एंड फर्स्ट गियर में गाड़ी है, सो लेट्स स्टार्ट। और भाई पहले गियर में 30 तो पहुंच गई, दूसरे में 50, तीसरे में 70 एंड चौथे में 90 के आसपास पहुंच गई है, पांचवे गियर में भाई 100 तो टच कर ले, 100 to 101, और ये लास्ट एंड फाइनल 6th गियर लगा दिया है मैंने, एंड देखते हैं कितने की स्पीड लेती है। 115 117 120 120 120, चल भाई खींच, फुल एक्सीलेटर दे रखा है मैंने, 130 130, नहीं जा रही भाई, 130 से ऊपर नहीं जा रही, फुल एक्सीलेटर दिया, 130 से ऊपर नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा बाइक खिल रही है। एंड इसका RPM का जो मीटर है वो भी 6000 से ऊपर चला जाता है, तो ये ब्लिप 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 कर रहा है। सो फर्स्ट टाइम में इसकी टॉप स्पीड थी 130 एंड RPM भाई 6000 से ऊपर चला गया था, तो वो ब्लिप कर रहा था इसलिए मैंने धीरे कर दी, फालतू में कोई प्रॉब्लम आए इसलिए। लेकिन अभी मैं एक और ट्राई करूँगा, 150 की उम्मीद है, जब तक 150 नहीं जाएगी भाई मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि 150 जा पाएगी, क्योंकि शायद इसकी स्पीड अभी खुली नहीं है, फर्स्ट सर्विस होगी उसके बाद हो सकता है इसकी स्पीड खुले तो ये 150 तक जाए। वैसे कंपनी वाले तो 160-170 क्लेम कर रहे थे, मैं तो 150 की उम्मीद लगा रहा हूँ, देखते हैं पहुँचती नहीं पहुँचती। एंड मेरे बगल में आप देख सकते हो ये है नेवटा डैम का एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हो पानी है और बीच में पेड़ है सारे, यही नेवटा डैम का एरिया है। क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई, क्या सुंदर व्यू आ रहा है इस साइड पे यार। चलो भाई सेकंड ट्राई स्टार्ट करते हैं, जहाँ से मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को इसको 150 लेके जाना है जैसे भी, तो देखते हैं पहुँचती है कि नहीं। एंड देन सीधा फुल मैक्सिमम गियर लगाती है, 6 105 107 110 115 20, नहीं जा रही है भाई, नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही, 150 तो नहीं जा रही ही यार, 120-130 जा रही है बस। फुल प्रेशर फुल पावर दे रहा हूँ मैं इंजन पे, लेकिन तब भी भाई ये नहीं खिंच रही है, 130 से नीचे ही रह रही है, 130 टच कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ऊपर नहीं जा पा रही है ये। तो गाइस 2 ट्राई तो मैंने कर लिए हैं, एक ट्राई और करूँगा मैं, एक बार यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाऊँ जिससे कि रास्ता क्लियर मिले। सो लेट्स स्टार्ट, और ये मेरा 3rd एंड फाइनल अटैम्प्ट है, इसमें देखते हैं कितनी खिंचती है, उम्मीद तो है भाई 150 की, देखते हैं जा पाती है कि नहीं जा पाएगी, क्या होता है। 115
120, 130, 35, 38, 138 तक तो गई भाई इस बार, यानी 140 तो टच कर रही है लगभग, लगभग 140 तो टच कर रही है ये। तो गाइस तीसरे अटेम्प्ट में इसने लगभग 140 की स्पीड टच कर ली थी, लेकिन वो जो 150 का मार्क है ना भाई, जब तक वो 150 नहीं होगा मैं मानेगा नहीं। इच्छा हो रही है मेरी कि जब ये 150 हो जाए तभी भाई मुझे शांति मिलेगी। सो एक और ट्राई मैं करके देखता हूँ 150 जाती है कि नहीं जाती है, लेट्स सी। भाई 145 तक गई थी, 145 तक तो चली गई, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा रही, 145 के ऊपर नहीं जा रही भाई, भयंकर वाला हिल रही है बाइक। ओ भाई थ्रिल आ गया थ्रिल। तो गाइस मैंने टोटल 4 अटेम्प्ट करे थे, पहले अटेम्प्ट में ये 120 के आसपास गई थी, दूसरे अटेम्प्ट में 130 टच करा था, तीसरे अटेम्प्ट में लगभग 140 था, 138 टू 140 के बीच में, एंड चौथे अटेम्प्ट में 145 तक तो ये गई, लेकिन उसके बाद भाई ये हैंडल बहुत ज़्यादा हिल रहा था एंड वो RPM मीटर भी ब्लिप कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि अब इससे ऊपर ज़्यादा इसको भगाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि फालतू में सर्विस हुई भी नहीं है, इंजन चोक कर जाए या कोई दिक्कत हो जाए उससे बढ़िया है कि रहने देता हूँ। जब इसकी फर्स्ट सर्विस हो जाएगी, अपन कहीं लंबे ट्रिप पे जाएंगे, तब एक बार और इसकी मैं स्पीड ट्राई करके देखूंगा। वैसे 145 तक तो गई है, तो इसका मतलब 150 160 भी टच कर सकती है ये। और गाइस एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि इतनी हाई स्पीड में भी होके ये बाइक लगभग 145 तक होके भी ब्रेकिंग इस बाइक की बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी है। 1 से 2 सेकंड के अंदर ये 140 से 100 के अंदर आ गई थी, तो भाई ब्रेकिंग तो बहुत प्यारी है इस बाइक की, ब्रेकिंग नो डाउट बहुत अच्छी है। एंड अपने को अब यहाँ से यू टर्न लेके वापस घर की तरफ जाना है, तो जगह और नहीं छोड़ते, जगह है क्या, हाँ तो सही निकल जाएगी, यही फायदा होता है भाई बाइक लेने का, साइड से आप निकाल सकते हो आराम से। फाइनली KTM एडवेंचर 390 की टॉप स्पीड को हमने टेस्ट कर लिया है, जो कि फर्स्ट सर्विस से पहले है, एंड ये थी 145, लेकिन एक बार फर्स्ट सर्विस हो जाए तो हम इसकी टॉप स्पीड एक बार वापस से टेस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे एक उम्मीद है कि भाई ये 150 160 क्रॉस कर सकती है। एंड आज जयपुर में भाई सारे पेट्रोल पंप बंद हैं, आज और कल 2 दिन के लिए पेट्रोल पंप यहाँ पर बंद है, हड़ताल चल रही है पेट्रोल पंप वालों की। पेट्रोल पंप बंद होने का रीज़न ये है कि यहाँ के जो पेट्रोल एसोसिएशन वाले लोग हैं, उन्होंने ये मांग रखी है सरकार के सामने कि भाई जो वैट टैक्स होता है पेट्रोल के ऊपर उसको कम करा जाए। यहाँ पर 31% का वैट टैक्स लगता है पेट्रोल के ऊपर, एंड बाकी स्टेट जैसे कि पंजाब एंड यूपी हो गए, यहाँ पे जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स है वो बहुत कम है, 15% के आसपास है, 15 से 18 के बीच में ही है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मांग करी गई है। और उसकी वजह से भाई 12 से 13 रुपये महंगा पेट्रोल है यहाँ पे कंपेयर टू अदर स्टेट। आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें पंजाब में जो पेट्रोल की प्राइस है वो 96-97 ऐसे समथिंग है, एंड राजस्थान में पेट्रोल की प्राइस है भाई 118-120 तक चली जाती है। तो सही में भाई बहुत महंगा है यहाँ पे पेट्रोल। होप सो, देखते हैं कोई इसका सॉल्यूशन निकले एंड सब कुछ सही हो जाए। और भाई काफ़ी दिनों के बाद आज मोटो व्लॉग करके ना बहुत अच्छा सा लग रहा है। शुरू में तो मुझे ना नर्वसनेस हो रही थी, अजीब सा लग रहा था कि कैसा बनेगा क्या होगा, एंड आसपास जब मैं बाइक पे चल रहा था ना तो लोग भी देख रहे थे, कैमरा वैमरा देखते हैं लोग, तो लोग अजीब सा होता ही है मन में, तो वो देख के भी नर्वसनेस सी हो रही थी मेरे को थोड़ी बहुत, लेकिन धीरे धीरे करके अब मेरा जो डर है वो खुल चुका है, एंड अब भाई मैं आराम से मोटो व्लॉग्स बना सकता हूँ, एंड बढ़िया मोटो व्लॉग बनाऊंगा मैं। और होप करता हूँ कि आपको ये वाला मोटो व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, फिर आगे जाके मैं और अच्छे अच्छे मोटो व्लॉग्स बनाऊंगा, अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे, इंप्रूवमेंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अपनी बाइक में लगवाएंगे, बहुत सारे प्लान हैं आगे के, वो सब आपको आने वाले वीडियोस में सब पता चलता जाएगा। तो देखते हैं, एक नई जर्नी है, कैसी जाती है ये जर्नी, अगर अच्छी गई तो भाई बढ़िया बात है, नहीं गई तो फिर कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा है उससे ज़्यादा कभी मिल नहीं सकता, जो होगा उसी से अपन करेंगे गुजारा, और क्या कर सकते हैं। एंड गाइस बहुत जल्दी ना मैं लॉन्ग राइड्स भी प्लान करने वाला हूँ, थोड़ा दूर दूर जाएंगे, 1000-2000 किलोमीटर आराम से घूम फिर के आएंगे, मोटो व्लॉग्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अभी कम से कम जब तक ये 1000 किलोमीटर नहीं चलती है तब तक इसको मैं जयपुर या आसपास के एरियाज में ही थोड़ा बहुत चला लूँ एंड थोड़े बहुत मोटो व्लॉग्स बना लूँ, जिससे कि बाइक भी अपनी 1000 किलोमीटर चल जाए, सर्विस हो जाए, मेरे को भी थोड़ी बहुत आदत हो जाए बाइक चलाने, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, एंड सौम्या को भी भाई आदत हो जाए बैठने की बाइक पे, क्योंकि वो भाई उसको बिल्कुल आदत नहीं है बाइक बाइक पे बैठने की, तो मेरे साथ ही बैठेगी। तो एक बार ये सारी चीजें हम लोग सेटल डाउन कर लें, फिर एकदम बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त लंबी लंबी राइड्स करेंगे, एंड इस साल प्लान्स भी हैं 3-4 राइड्स के, तो सारी राइडें होंगी, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना तो सब कुछ मुमकिन है। ये देखो ये क्या,
बाइक गिरा क्यों दी? वो नहीं आया स्टैंड, मेरे को लगा मैंने ऐसे यूं करा ना पैर से, हाँ? तो मुझे लगा स्टैंड तो नीचे आ गया, लेकिन वैसे मैंने सिर्फ लेट आई इस पे। वही मैं अंदर से मैं देख रही हूँ, मैं वहाँ से दौड़ते हुए मैंने कहा ये क्या हो गया भैया, उठाओ उठो, भारी है क्या? भाई मुझे बैठा के बैठ, चलते चलते मत गिरा देना किसी दिन। स्टैंड नीचे नहीं नहीं टूटा तो नहीं, टूटा तो नहीं है लेकिन हाँ क्या ये नहीं, ये तो पेंट है, इधर से रगड़ दिया, इधर से रगड़ दिया। मुझे आवाज दे देते ये तो वैसे भी निकलेगा क्योंकि वो लगेगा ना पैनियर्स और रोकते वैसे भी निकल जाएगा। तो मतलब तोड़ के फिर निकलवाओगे? तो मैंने देखा पसीना क्यों आ रहा है, गर्मी लग रही है यार। बाइक तो गिरी लेकिन सबसे अच्छी बात है भाई कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ टूटा नहीं, इस गार्ड की वजह से बच गई, इसी पे गिर गई थी जाके, मेन तो ये इधर से रगड़ गई, बाकी कुछ हुआ नहीं। एंड टोटल मेरी बाइक चल चुकी है 122 किलोमीटर, जिसमें 50 किलोमीटर के आसपास ये चल रखी थी, 50 या 60 के आसपास, बाकी मैं अभी चला के आ रहा हूँ 60 किलोमीटर के आसपास। एंड टॉप स्पीड भी इसकी अपन ने टेस्ट कर लिया। भाई गर्मी बहुत तेज लग रही है, पहले थोड़ा बहुत पानी पीता हूँ एंड उसके बाद गोप्रो की फुटेज चेक करता हूँ सही आई है कि नहीं आई है। रात के 2:17 हो रहे हैं एंड इसका स्नैक्स टाइम हो रखा है इस समय, क्योंकि खाना तो खाया, हाँ मंगाया था, खाना नहीं खाया इसने, जोमेटो से ऑर्डर करा हुआ खाना नहीं खाया इसने, तो बहुत अमीर है ना ऐसा चलता है, कोई बात नहीं। मुझे पता नहीं क्या हो गया आज, मेरे खाना देख के जैसे मेरी इच्छा ही नहीं, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा अगर मैंने खा लिया तो। एक्चुअली इसके पीरियड्स आ रखे हैं ना, इसी वजह से गई भी नहीं आज मेरे साथ एंड इसीलिए इसका मन भी जानते ना मूड स्विंग हो रहा था। हाँ कोई बात नहीं, तुम खा के आराम से सो जाओ, मुझे अभी भूख लग रही है। खाओ 4-5 पैकेट और है वो भी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। और भाई मैंने गोप्रो की फुटेज भी चेक करी, सब कुछ चेक कर लिया, एडिट भी कर लिया सब कुछ, पूरा व्लॉग भी एडिट कर दिया मैंने, बस ये क्लिप मेरे को ऐड करनी है। एंड भाई मेरे को ये चीज पता चली बस उसमें कि थोड़ा सा एंगल मुझे सही करना है बाइक, जिससे मुझे पूरे फ्रेम में अच्छे से दिखे, बस वो चीज मेरे को और सेट करनी है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में सेट कर दूंगा उसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी साउंड वाउंड एकदम क्लियर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और विंडशील्ड जो है ना अपनी बाइक की, उसके ऊपर मैं विंडशील्ड का एक्सटेंडेड लगाऊंगा, एक यानी इतना लगभग एक हाथ, ये एक पाम बोलते ना, हाँ पाम जितना बड़ा और हो जाएगा थोड़ा सा विंडशील्ड, तो जो विंड नॉइज है वो थोड़ी और कम हो जाएगी। बाकी चीजें परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्लॉग एकदम मुझे तो अच्छा लगा, मैंने ऐसा लगा कि काफी दिन के बाद किसी व्लॉग में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत अच्छे से बनाया है। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। एंड नेक्स्ट मोटो व्लॉग में गाइस पीछे से मेरी भी अनोइंग आवाज आपको सुनने को मिलेगी। चलोगी क्या? चलो ठीक है, आज तो मुझे प्रॉब्लम थी थोड़ी, इसलिए मैं नहीं गई, वैसे तो मैं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग आपको साथ में दिखेंगे मोटो व्लॉग करते हुए। बाकी मेरे हैं बहुत सारी, मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके जैसे धीरे धीरे करके पैसा आएगा ना, तो तुम्हारे हेलमेट पे भी गोप्रो कैमरा लगा दूंगा, माइक लगा दूंगा या ब्लूटूथ, तो फिर जिससे दोनों की आवाज सब देखना सही रहेगा ना। हाँ तो वो चीजें आगे प्लान करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वैसे वैसे काम करते जाएंगे। तो चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो चला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हुए जाना। मैं आपसे मिलता हूँ, सॉरी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ।